यूपी बुलंदशहर के पास्को कोर्ट ने 2018 में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इंटर की राह चलती छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या किए जाने के मामले में गैर समुदाय के 3 युवकों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा मुकर्रर की है। सजा सुनाए जाने के बाद जहां छात्रा के परिजन अब दोषियों को फांसी पर लटकता देखने की बात कह रहे हैं, वहीं न्यायालय पर इंसाफ दिए जाने पर संतोष जता रहे हैं। तस्वीरें बुलंदशहर के सत्र न्यायालय परिसर की हैं, जहां गैर संप्रदाय के जुल्फिकार इजराइल उर्फ मालानी दिलशाद को 2018 में इंटर की ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही नाबालिग छात्रा का ऑल्टो कार से अपहरण कर चलती कार में गैंगरेप करने के बाद हत्या करने का दोषी पाया गया है। तीनों दरिंदों को बुलंदशहर की पॉस्को कोर्ट ने दोषी पाए जाने के बाद फांसी की सजा मुकर्रर कर दी है। फांसी की सजा भले ही 2 साल बाद सुनाई गई, मगर छात्रा के परिजन फांसी पर भी छात्रा के गुनहगारों को लटकता देखना चाहते हैं। हमें तो न्यायपालिका पे पूरा विश्वास हो गया, मतलब हम तो इस नज़र से देख रहे हैं कि जैसा हमारा फैसला आया है कोर्ट से, और अब हम पूरे देश की लड़कियों को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि भाई जब ऐसे ऐसे फैसले आएंगे तो बच्चियां घर से निकलने से हिचकिचाएंगी नहीं। उस टाइम के वर्तमान एसएसपी, धन्यवाद करना चाहते हैं वर्तमान उस टाइम के जो एसएसपी थे, तत्कालीन एसएसपी का, कि जिन्होंने बड़ी तत्परता से और खुद एसएसपी ने ही मतलब भाग दौड़ करके हमारे इस केस को बिल्कुल साफ सुथरा खोला। हाँ, हमें अब मतलब हम बहुत संतुष्ट हैं, जो न्यायालय का फैसला आया है उससे बहुत संतुष्ट हैं। ट्यूशन पढ़ के आ रही थी और इन्होंने नए साल के जश्न में ये अपने घर से निकले थे, भाई कोई भी शहर में बहन बेटी होगी उसे उठाएंगे और उसके साथ दरिंदगी करने के बाद और अपना उसे खत्म। कौन सी तारीख की घटना है ये? 2 जनवरी 2018 की घटना है। न्याय पाने के लिए हमने काफ़ी संघर्ष करा, हम मतलब घर से बेरोजगार हो गया, मैं बाहर काम करता था, अपना छोटा मोटा कपड़े का काम करता था, फिर यहाँ आके हम जब यहाँ पे ये केस हो गया तो फिर हम अपना ये सोचा कि यहीं छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, पर उस तो सरकार से हमें मदद भी मिली 5 लाख रुपए की, तो मदद मिली तो उसमें एक दिनेश नाम का जो वो हमसे ठग के ले गया उनके से, तो मतलब बहुत ही हमें बुरा दौर हमें देखना पड़ा, क्योंकि तो हम हाई कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तक वो जाएंगे हम भी अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए वहाँ हम भी लगा हुआ बुलंदशहर से कि हाँ हमें न्याय मिल गया है, मगर मैं तो आगे को जैसे भी है, जैसे मेरी बेटी की फांसी की लगा के इन्होंने, मैंने देखा ना उसे जाते हुए, ऐसे मैं इन तीनों को और देखना चाहती हूँ, मेरी आत्मा जब और संतुष्ट हो जाएंगी। आज मुझे बहुत न्याय से, बहुत न्यायालय से मुझे बहुत संतुष्टि मिली है, बहुत ज़्यादा। हाँ, मेरी बच्ची को भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, और दुनिया में जितने भी हैं पूरा वो सबको मिलेगी, सब बहन बेटियों को मिलेगी, सब बहन बेटियां जो खुश होकर अपना ट्यूशन भी जाएं, पढ़ाई भी करें, सब कुछ करें। मेरी बेटी के लिए तो कुछ भी नहीं है खैर, पर मैं तो दूसरों की बहन बेटी के ही लिए लड़ना चाह रही हूँ, किसी को ऐसा ना गुजरना पड़े जैसा मेरी बेटी के साथ गुजरा हो। माननीय कोर्ट ने जो है ये केस जो है रेयर टू रेयर केस माना है, और इस केस को रेयर केस मानते हुए जो है मुलजिमों को 376D में गैंगरेप में आजीवन कारावास, 364 में 10 साल की सजा और 302 में जो है फांसी की सजा तीनों को दी गई है। कि ये जो है सरकार की नीति है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, ये सब जो मिशन शक्ति चल रहा है, मिशन शक्ति के तहत जो है जो सरकार की नीति है, अगर इस तरह की घटना होती रहेगी तो सारी चीजें सब फेल हो जाएंगी। हमारे देश में भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, इसमें स्त्रियों की पूजा, महिलाओं की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा होती है, अष्टमी के दिन कन्याओं को पूजा जाता है। ऐसे देश में इस तरह की क्रूरतम घटना होंगी तो बेटियों को पढ़ाना और बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1/18 की जो घटना है, ये लड़की जो आयुषी है, ये अपनी जो स्कूल से ट्यूशन, मतलब ट्यूशन पढ़ के अपने घर से आ रही थी, मतलब ट्यूशन पढ़ के आ रही थी, और रास्ते में जो है ये तीनों मुझे मिले, इसको मतलब गाड़ी में थे, और गाड़ी में इसका अपनी स्कूल उस पर अपनी साइकिल से थी, और इसको साइकिल से जो है किडनैप किया, गाड़ी में डाला और इसको अपहरण करके ले गए, और ले जाने के बाद में इसको जो है वहाँ पर पहले इसके साथ रेप किया, और फिर रेप करने के बाद इसकी गला घोट कर हत्या कर दी, और इसको दादरी में, उसके शव को दादरी में एक नाले में उसको डाल दिया, उसकी रिकवरी हुई। और इसके बाद में ये जो मुलजिम है, ये 9 तारीख को दो मुलजिम रिकवर हुए, और इनको बराबर किया, इनसे जो है
घटना में इसकी जो गाड़ी बरामद हुई जिस पर अब्बासी बॉय लिखा हुआ था, जिससे जो है ये सर्च में आए, टोल प्लाजा में जो है जो गाड़ी थी उस पर अब्बासी बॉय लिखा हुआ था, उसका उसकी प्लेट थी, उस प्लेट से जो है वो लोग लाइट में आए, और लाइट में आने के बाद फिर उसके बाद जब ये बरामद हुए मतलब जो पकड़े गए, तो इन्होंने जो है अपने जुर्म का इकरार किया, और जुर्म का इकरार करते हुए इन्होंने जो है इसके आरोपी को इसके साथ जो है घटना कारित करना बताया, और एक मुलजिम से जो है इसकी जो गाड़ी है उस गाड़ी से जो है उसकी लड़की की चप्पल, बाल, छोटे बड़े बाल और सामान बरामद हुआ, और एक जो चप्पल थी वो उसकी जो स्पॉट पर जहाँ से उसका अपहरण हुआ था वहाँ पर बरामद हुई, और उसके बाद में जो है उसको वहाँ पर ले गए, और ये सब उसके साथ घटना हुई। बता दें कि 2018 में जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था तो पुलिस के समक्ष आरोपियों ने कबूल किया था कि न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए सड़क चलते छात्रा को अकेले देख कोतवाली देहात से महज 200 कदम की दूरी पर ही अपहरण कर लिया था, और अचानक पर छात्रा के साथ चलती कार में दरिंदगी की गई थी। नई साल 2 तारीख को आए थे, क्या नाम है, सिकंदराबाद से बुलंदशहर को, लड़की को क्या नाम है, हम MMR मॉल से थोड़ी सा हो जाके हमें लड़की दिखाई दी, हमने वो लड़की उठाई, गाड़ी में डाली, खुर्जे साइड को जाके लूटन ले लिया, हम सिकंदराबाद को चले गए। जो हमारे साथ में लड़का था मलानी, मैं गाड़ी चला रहा था और ये आगे बैठा था दिलसाद, क्या नाम है, उसने लड़की कह रही थी भैया मुझे मारना मत, छोड़ दो, मैं किसी से ना कहने की, जो तुम्हें करना कर दो, भैया मुझे मारना मत। उस लड़के ने काम करा, उसको लड़की को वहीं मार दिया, और आगे जाके बाईपास पे मतलब कि टूल टैक्स पार करके उससे आगे एक रास्ता जा रहा परीचौक नोएडा को, वहाँ पे क्या नाम है रेलवे फाटक से पहले नाला पड़ा था, वहाँ पे डाल, कहीं कुछ नहीं मिला था, नहीं कहीं नहीं की जी सर, एक ही लड़के ने किया था जो फरार है, मतलब कि 2-3 घंटे में काम फाइनल हो गया। कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये सामान्य घटना नहीं है, अगर पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलने वाली बेटियों की हिफाजत नहीं की गई, तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का कोई मायने नहीं रह जाएगा। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।